हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बीटेक में। और आपके लिए जो आज मैं टॉपिक लाया हूँ तो दोस्तों वो है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अगर एक ही कंपनी बनाए तो उसमें क्या डिफरेंस है। जो मतलब कि अगर कोई कंपनी सॉफ्टवेयर अलग बनाए और हार्डवेयर अलग बनाए तो दोस्तों इस तरह से मतलब कि आप काफ़ी मतलब कि फ़ोन को काफ़ी अच्छे से जान सकते हो कि अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का क्या काम है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है, अगर हम बात करें जैसे कि दोस्तों एप्पल आईफोन वगैरह है और जो सैमसंग के स्मार्टफोन्स होते हैं और जो भी बाकी स्मार्टफोन्स भी होते हैं कुछ, जो दोस्तों अपना ही जो मतलब कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाती है। तो दोस्तों जैसे कि आजकल ऑनर के भी स्मार्टफोन काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, बजट रेंज में भी उनके जो हाई बजट रेंज स्मार्टफोन्स होते हैं 15,000 से तक या फिर उससे ज़्यादा जो स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें भी मतलब कि काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है ओनर के द्वारा। तो दोस्तों जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अगर कोई कंपनी एक ही कंपनी बनाए तो उस स्मार्टफोन में जो परफॉर्मेंस होगी वो कंपनी को स्टेबल कर सकती है, उस जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की पावर को काफ़ी अच्छे ढंग से यूज़ कर सकती है और जो उसमें मतलब कि कोई प्रॉब्लम आए तो उसको काफ़ी अच्छे ढंग से मतलब कि दूर कर सकती है। दोस्तों मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है वो मतलब कि हार्डवेयर को खरीदना पसंद नहीं करती, लेकिन दोस्तों जो विंडोज़ स्मार्टफोन मतलब कि विंडोज़ जो थी उन्होंने नोकिया को खरीदा था तो दोस्तों वो उनके लिए काफ़ी मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट हुई। लेकिन दोस्तों आज तक मैक्सिमम जो भी कंपनीज है सॉफ्टवेयर कंपनीज वो किसी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद नहीं करती, लेकिन दोस्तों जो हार्डवेयर कंपनीज होती है उनको जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की ज़रूरत काफ़ी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ होती है वो काफ़ी मतलब कि अलग फील्ड में काम करती है और जो हार्डवेयर कंपनीज अलग फील्ड में। लेकिन दोस्तों जो एप्पल में आपको देखने को क्यों मिलता है दोस्तों उसमें जो कंपनीज़ है वो साथ में मिलकर काम करती है और काफ़ी मतलब कि परफॉर्मेंस इसी कारण उन स्मार्टफोन की अच्छी होती है, क्योंकि दोस्तों जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनीज जब एक साथ मिलकर काम करती है तो उनको पता है क्या प्रॉब्लम हार्डवेयर में और क्या प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों वो इस प्रॉब्लम को या फिर हार्डवेयर के थ्रू या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों मान लो अगर कोई स्मार्टफोन ऐसा हो कि उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो अलग आ रहा है और हार्डवेयर अलग कंपनी का आ रहा है तो दोस्तों उसमें काफ़ी मतलब कि प्रॉब्लम्स और इश्यूज देखने को मिलते हैं और जो कंपनीज है उसको मतलब कि काफ़ी लॉस भी उठाना पड़ सकता है इसके लिए। तो दोस्तों इस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है उसके लिए स्मार्टफोन के लिए। जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है दोस्तों वो मतलब कि अगर अपना एक सॉफ्टवेयर बना दे तो उसमें काफ़ी उनको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन दोस्तों जो हार्डवेयर कंपनीज मतलब कि जैसे होती है उनको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, लेकिन जो दोस्तों सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है वो जो अपना सॉफ्टवेयर होता है वो किसी भी कंपनीज को फ्रीली बेच सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आईफोन है मतलब कि जिसने रॉयल्टी पास रखा है, दोस्तों जैसे कि अगर कोई कंपनी उसका कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी तरह से उसका कोई प्रोडक्ट यूज़ करता है तो दोस्तों उसके ऊपर वो सू कर सकती है और जिसके कारण कंपनी को काफ़ी बड़ा नुकसान झेलने को मिल सकता है जिस कंपनी ने आईफोन या फिर इस तरह के स्मार्टफोन्स के जो मतलब कि कंपोनेंट्स या फिर किसी भी तरह से उसकी चोरी की हो तो दोस्तों इस तरह से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है दूसरी कंपनीज को। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर आप एंड्रॉयड की बात करें तो दोस्तों एंड्रॉयड काफ़ी फ्रीली है सभी कंपनीज के लिए और दोस्तों काफ़ी मतलब कि अच्छे से काम करती है, और दोस्तों आईओएस और एंड्रॉयड मतलब कि आपस में काफ़ी अलग होने के कारण भी दोस्तों जैसे कि लोग मतलब कि जिस चीज़ में कंफर्टेबल मतलब कि रहते हैं तो दोस्तों उससे अपना मतलब कि परमानेंट बना लेते हैं, जिसकी दोस्तों स्मार्टफोन्स है वो काफ़ी मतलब प्रीमियम है, काफ़ी महंगे हैं, लेकिन दोस्तों जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन होते हैं वो 5,000 से लेकर 80,000 9,000 तक जाते हैं। लेकिन दोस्तों आईओएस अगर आप देखते हो आज की डेट में तो दोस्तों बहुत कम से कम साल में 3 फोन मतलब कि 2 फोन बनाए हैं गैलेक्सी और दोस्तों J8 उनका प्राइस भी लगभग 80,000 से अप है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि काफ़ी मतलब कि एक कंपनी वो जिसने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खुद बनाया और जो अलग कंपनी है जैसे कि जिसने हार्डवेयर अलग खरीदा हो सॉफ्टवेयर अलग खरीदा हो, दोस्तों आप प्राइस की जो देख सकते हो काफ़ी डिफरेंस है दोस्तों, ये इसी के कारण होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनी होने के कारण। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहे मेरा चैनल बीटेक, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।